ক্লিক করুন অ্যাপের বেল আইকনে আর সাবস্ক্রাইব করুন এবিপি আনন্দ। সব সময় থাকুন খবরে। জিটিএ করেও কিছুই হয়নি, অবিলম্বে স্থায়ী সমাধান চাই কেন্দ্রের ডাকা বৈঠকে, এই দাবি করলেন বিমল গুরুংপন্থী মোর্চার 5 প্রতিনিধি। সকাল 11টা নাগাদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের ডাকে এই বৈঠক হয়। পূর্ব ঘোষণা মতো রাজ্য সরকারের কোনো প্রতিনিধি বৈঠকে ছিলেন না। পাহাড় নিয়ে কেন্দ্রের ডাকা বৈঠকে প্রথমে গোর্খাল্যান্ড শব্দটি থাকায় বিতর্ক তৈরি হয়, পরে সেটি সংশোধন করে জিটিএ বৈঠক করা হয়। हम आज गृह मंत्री के साथ सिर्फ गोरखालैंड का बात हुआ, जीटीए के बारे में हम लोग बात नहीं हुआ। लेकिन जीटीए, उन्होंने पूछा कि वाई जीटीए इज फेल्ड, जीटीए क्यों फेल हो गया, उसके हमने पूरा दस्तावेज और पूरा बयान मिनिस्टर के आगे हम लोग ने रख चुका है और हम लोग ने दस्तावेज सब वहाँ माने मिनिस्टर के साथ हमने दे दिया। जीटीए इज नो मोर, हम लोग ने बताया कि जीटीए को 2017 में हम लोग ने रिजाइन करके, वो रिजाइन कलकत्ता गवर्नर के पास खुद मैंने उसको पहुँचा दिया। उस टाइम आई वॉज चेयरमैन ऑफ जीटीए, तो आउट ऑफ 44 सभासद ने वो रिजाइन करके 2017 में उसको हम लोगों ने रद्द किया है। तो बोला कि क्यों रद्द किया, बिकॉज स्टेट गवर्नमेंट जीटीए को अच्छा से चलाना नहीं दिया। अब देखो चिट्ठी में तो पूरा गोरखालैंड ट्रेड एडमिशन का रिव्यू मीटिंग था, अभी उन लोग गोरखालैंड ट्रेड एडमिशन का कुछ भी हिस्सा भी नहीं है, तो फिर भी चिट्ठी देख कर वो लोग गया। तो इसका माने क्या बोलता है, अब जब पब्लिक को तो सब अवेयर हो गया उन लोगों का मन में क्या है, दिल्ली क्या है, दिमाग में क्या है।